भारत मैच जीतेगी सर, सभी लोगों का इंतजार था कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। खेल का भावना अलग है, राजनीतिक भावना अलग है, लेकिन जब फील्ड पर जब खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा 140 करोड़ दर्शक जो है हिंदुस्तान का वो टीवी पर रहता है। और ये सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच में ही होता है, बाकी किसी टीम का मैच में नहीं होता है। न्यूज का जो मीडिया वाला का जो TRP है वो भारत पाकिस्तान के मैच में ही ऊपर जाता है, बाकी किसी कंट्री के मैच में नहीं जाता है। क्या लगता है, बहुत दिनों के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रही है, इसमें क्या लगता है, आप लोग क्या कहेंगे? भारत मैच जीतेगी, ऑफकोर्स भारत मैच जीतेगी। 220 जो मैच होने जा रही है, तो क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो संबंध है उसमें सुधार हो सकती है? देखिए, राजनीतिक बात अलग है, खेल भावना का बात अलग है। पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है, अगर वो आतंकवाद बंद कर दे पैदा करना तो राजनीतिक संबंध सुधर सकते हैं। अगर वो आतंकवाद पैदा करना बंद करते हैं तो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। जीत तो भारत की होगी, सुनिश्चित भारत की ही जीत होगी। कौन सा प्लेयर मतलब इसमें? आज रोहित शर्मा शतक मारेंगे। बहुत उत्साह है आज के मैच के लेकर, काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता नहीं, जब भी मौका मिलता है कभी ICC टूर्नामेंट में मौका मिलता है, तो आज होने जा रहा है तो अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत उत्साह, बहुत इसके लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। यही तो, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ही बहुत दिन के बाद होता है। पहले होता था कि जब संबंध थोड़ा सही थे तो मैच सीरीज भी होता था, लेकिन संबंध जैसा पाकिस्तान का चाल रहता है उस हिसाब से अब सिर्फ टूर्नामेंट ICC टूर्नामेंट में भिड़ने का मौका मिलता है, इसलिए काफ़ी दिन के बाद होता है तो उत्साह रहता है हम लोग में कि हाँ आज मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। T20 आज मैच जो होने जा रही है, तो इस पर क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच होने जा रही है, क्या इससे इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधार हो सकती है? कभी नहीं हो सकता है, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा होवे नहीं करेगा। पाकिस्तान से कभी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि संबंध सही होगा। रखना भी नहीं चाहते हैं, हमेशा आतंकवाद को जो बढ़ावा देगा, देश को हम लोग का विनाश करने का सोचेगा, उससे क्या उम्मीद रख सकते कि संबंध सही करेगा। किसकी जीत होगी? इसमें कहने वाला बात थोड़े है, हमारा भारत की जीत होगी आज। कौन सा प्लेयर इसमें अपना बाजी मारेगा? आज जैसा पाकिस्तान से मैच हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आज विराट कोहली बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि पिछले बार भी वो बढ़िया खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया जीतेगा, टॉस भी जीतेगा इंडिया। कैसे कह सकते हैं? समझ गए, कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगा? कैसे कह सकते हैं, मेरा तजुर्बा है 60 साल का। हाँ, अभी इंडिया के सामने पाकिस्तान का कोई टीमें नहीं है, न बॉलिंग में न बैटिंग में, न फील्डिंग न बैटिंग न बॉलिंग। क्या लगता है इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छा हो सकती है? वो खेल का मामला है, खेल से संबंध से क्या मतलब है? खिलाड़ी ये नहीं सोचता है ना इंडिया का ना पाकिस्तान, उसको खेल से मतलब है। उससे असरदार जाने राजनीति वाला की राजनीति क्या होगा। तो इस पर आपको क्या कहना है, ये सुधार होगी कि नहीं हो पाएगी? क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रही थी, इस पर सुधार हो पाएगी संबंध की नहीं हो पाएगी? जैसा संबंध है वो सब संबंध रहेगा, इससे मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। बता तो दिया कि इंडिया जीतेगा। कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा? और टॉस भी जीतेगा, ये दोनों नोट कर लीजिए। कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा? कौन सा? क्या इंडिया में कोहली, विराट कोहली सबसे बेस्ट, विराट कोहली। इंडिया जीतेगा। कैसे कह सकते? इंडिया का टीम स्क्वाड बहुत अच्छा है, इसमें बॉलर्स जो हैं बहुत फॉर्म में इस बार हैं। अर्शदीप पहले मैच में 4 विकेट ले लिया, इस बार लेगा 5 विकेट। सिराज हैट्रिक लेगा, बुमराह भी अच्छा है इस बार बॉलिंग करेगा, और रोहित शर्मा भी अच्छा खेल रहा है इस बार। परफॉर्मेंस से कह सकते, तो बहुत दिनों के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रही है, तो क्या आप लोग में कैसा उत्साह है, क्या उत्साह कहना चाहेंगे? इस पे कहना चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का बहुत दिन बाद मैच थोड़ी हो रहा है, 1 साल बाद बस हो रहा है, ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ, उसमें देखने का उत्साह बहुत रहेगा सबका। T20 मैच जो होने जा रहा है, तो क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो संबंध गड़बड़ है उसमें क्या सुधार आएगी? थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे
पहले मैच वर्ल्ड कप में हुआ था, जडेजा ने बॉल कराया था और शादाब के मुंह पे ऊपर आंख के ऊपर जाके लगा था, तो केएल राहुल ने अपना भाईचारा दिखाकर उसके आंख पर पोछा और उसे गले लगाकर कहा, लेकिन शादाब पीछे हट रहा था, तो ये संबंध थोड़ा बिगाड़ सकता है। उसको भी रहना चाहिए कि हमें वो सुधार रहा है तो हमको भी थोड़ा उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी और कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर खेलेगा? खेलेगा तो इस बार जायसवाल अपना 100 बनाएगा इस बार। आज क्या नाम बताए थे? मुशाहिद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।